हाय फूडीज़, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप धनिया, पुदीना और मिर्ची को किस तरह लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मिर्ची की तरफ। तो मैंने यहाँ मिर्चियों को धोकर अच्छी तरह से सुखा दिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए और आप इसमें छाट भी सकते हैं। अगर कोई गली मिर्ची है तो आप उसे पहले अलग कर दें। इसके बाद आपको क्या करना है, मिर्ची के पीछे की जो डंठल होती है ना, उसे हमें बस तोड़ के रखना है। और इसे आप किसी भी कपड़े के बैग में स्टोर करके रखें। जनरली हमें इस तरह के कपड़े के बैग मिल जाते हैं मॉल्स में भी। अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं या कुछ कपड़े की दुकान है तो वहाँ से भी आपको इस तरह के बैग्स अवेलेबल हो जाएंगे आसानी से। तो इस तरह के बैग्स को आप अच्छी तरह से धो लें, अगर वो धुले नहीं हैं तो। और उसमें आप इस तरह से मिर्ची की डंठल हर एक को तोड़ के रखें। इससे क्या होगा कि आपकी मिर्चियाँ कभी भी गलेंगी नहीं। फ्रिज के अंदर ही रखना है हमें इसे, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें ऐसे ही बाहर नहीं रखना है, फ्रिज के अंदर आप रखें इसे। और इससे आपकी जो मिर्चियाँ हैं वो सूख जाएंगी, और सूख के भी जो मिर्ची बनती है रेड कलर की, उसका भी आप पाउडर बना सकते हैं और चिली फ्लेक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। और इसका आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो भी गली मिर्ची है इस तरह की, उसे आप पहले ही अलग कर दें। चलिए अब हम आते हैं धनिया की तरफ। जनरली सभी घरों में धनिया अवेलेबल होती है, हम इसे स्टोर बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप जैसी धनिया मिलती है गड्डी में इस तरह से, इसे आप एज इट इज़ पानी से धो लें रनिंग वाटर में। और फिर इसका जो पीछे का जड़ वाला पोर्शन होता है ना, इसे हमें काट के फेंक देना है। और जो ऊपर का ये स्टेम वाला पोर्शन है, हम इसे पूरा यूज़ कर लेते हैं क्योंकि स्टेम्स में भी बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। तो इसे आप ध्यान रखें कि जब हम धोते हैं रनिंग वाटर में, इसके बाद आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है, अच्छी तरह से इसका पानी सूख जाना चाहिए। इसके बाद जब हम इसे काट लेते हैं तो काटने के बाद आपको किसी भी पॉलीथिन में इसे भर के रख देना है। आपके पास अगर रबर बैंड है तो आप इसे रबर बैंड से ऊपर से बांध दीजिए, और ध्यान रहे कि इसमें जो है एयर भरी होनी चाहिए, तभी ये एयर टाइट कंटेनर का काम करेगा। अच्छे तरह से आप देख सकते हैं कि ऊपर से दबा के आपको इसे बांधना है। और अगर आपके पास रबर बैंड नहीं भी है तो भी आप देसी जुगाड़, यानी कि नॉर्मल अपने हाथ से इसे इस तरह से गठान मार के भी बांध सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आपकी जो नॉट है वो बहुत टाइट होनी चाहिए, जिससे कि इसकी जो एयर है वो पास ना हो पाए और ये एकदम फूली फूली ही पन्नी रहे, जिससे कि आपका जो कंटेनर एयर टाइट कंटेनर का जो काम है वो ये पन्नी करेगी। आई होप आपको ये टिप अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके लिए आप किसी भी पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी पॉलीथीन ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो पॉलीथीन थोड़ी सी हल्की सी मोटी सी होनी चाहिए और उसमें से बिल्कुल भी छेद नहीं होने चाहिए, हवा नहीं पास होनी चाहिए उसमें से। ये मैं धनिया जो है काट के रखती हूँ डायरेक्टली, जिससे कि जब भी मुझे यूज़ करना होता है तो मैं डायरेक्ट पॉलीथीन से धनिया निकालती हूँ और अपनी डिशेस में डाल देती हूँ। बहुत इजी और कन्वीनियंट वे है ये। चलिए अब हम आ जाते हैं पुदीने की तरफ। तो इसे कैसे स्टोर करके रख सकते हैं आप, पुदीने को आप सबसे पहले अच्छी तरह से धो लीजिए, और धोने के बाद इसके जो पत्ते हैं उसे आप अलग कर दीजिए स्टेम से। और इसका एक और फ़ायदा है कि जो इसकी स्टेम्स होती हैं उसे आप अगर फिर से लगा देंगे गमले में तो पुदीना आपका उग जाता है। तो ये मैंने पत्तियां तोड़ दी अच्छी तरह से। जब ये पत्तियां पूरी सूख जाए पानी इसका, तब आप इसे किसी भी इस तरह के पेपर बैग में भर के रख सकते हैं। ये मैं दिखा रही हूँ आपको धनिया की पत्तियाँ, ये इसकी स्टेम्स है, आप देख सकते हैं अभी भी हरी है ये। और इसे मैं जब ऐसे हाथ से मलती हूँ ना, तो इसमें जो पत्तियाँ होती है वो निकल जाती हैं अच्छी तरह से पाउडर बन के। इसी बैग में मैं आपको पुदीना भी रख के बता रही हूँ। इसे भी आप कम से कम 10 से 15 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं इस तरह से। और अगर आप इससे भी ज़्यादा लंबा समय तक रखना चाहते हैं तो आप फ्रिज से निकाल के इसे बाहर रख दें पेपर बैग में ही, ये सूख जाएगी और पाउडर्ड फॉर्म में आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली रसोई में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।